हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट मेरा नाम है अभिषेक तो ये वीडियो है लोअर पीसीएस मेंस का जो सिलेबस है जो स्टूडेंट्स लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ साथ अपर पीसीएस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ पोर्शन इसका हो सकता है एडवोकेट जनरल के एग्ज़ाम में भी अगर जो फैक्ट्स होंगे वो एडवोकेट जनरल के एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो ये वीडियो है राइट टू इन्फॉर्मेशन पे बेसिकली अगर आप लोअर पी सी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो पॉइंट नंबर फोर है सिलेबस में आपका जी एस पेपर वन का जो सिलेबस है पॉइंट नंबर फोर उसमें आपने देखेंगे पॉइंट नंबर फोर में लिखा हुआ है आर है ना राइट टू इन्फॉर्मेशन तो इसके ऊपर मेन्स uh, में क्वेश्चन लिखने के लिए आ सकता है आपसे और जो अपर पी का प्रिलिम्स होगा उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एम तो उसके ऊपर ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा एक टॉपिक uh, कवर हो रहा है लोअर पी सी का इस वीडियो से तो साथ साथ बताना चाहूँगा इस स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने लेट्स कैगेट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लेट्स क्रैकेट का एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने उसको सब्सक्राइब या उसको ज्वाइन नहीं किया है वो फ्री है कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा तो स्टार्ट करता हूँ उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन को अगर हम इसका देखें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप इसका देखेंगे तो आप पाएंगे कि द राइट टू इन्फॉर्मेशन गेंड पावर वैन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एम तो एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो था ह्यूमन राइट्स का यानी कि मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा की गई कब की गई 1948 में ये कुछ फैक्ट्स भी हैं और इनको आप जब मेंस का आंसर लिखेंगे तो उस आंसर को लिखने में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा साथ साथ बताना चाहूँगा कि लोअर पी सी का पेड ग्रुप चल रहा है तो जो स्टूडेंट्स पूरी तैयारी करना चाहते हैं दोनों पेपर की मेन्स की प्रिपरेशन की उसमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं है मेन्स की प्रिपरेशन होगी पूरे मेन्स की दोनों पेपर दोनों सब्जेक्ट की दोनों पेपर जो होने वाले हैं तो लोअर पी सी मेन्स की इसको प्रिपरेशन करनी है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं वो चल रहा है जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाए और आपको सारा कंटेंट उसमें मिलेगा बाकी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझको मैसेज कर कर या कॉल करके उससे ले सकते हैं तो कह रहा है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन 1948 में इसको अडॉप्ट किया गया प्रोवाइडिंग एवरी वन द राइट टू सीक रिसीव इंफॉर्मेशन कि राइट दिया गया इस यूनिवर्सल डिकलरेशन से एक राइट मिला कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ना इंफॉर्मेशन चाह सकते हैं कोई अगर आपको खबर चाहिए कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कोई जानकारी चाहिए तो आप वो ले सकते हैं एंड आइडियाज़ थ्रू एनी मीडिया एंड रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटियर्स यानी कि कोई बॉर्डर नहीं रहेगा आपके पास है ना तो हर चीज़ आप हर चीज़ को जानने का आपको अधिकार है एक पर्सन को और कोई भी सीमा ऐसी नहीं है कि जो वो जो उसको बांध के रखेगी और वो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती उसके बाद इंटरनेशनल कॉमिनाट आया सिविल और पॉलिटिकल राइट्स पे 1966 में क्या आया नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा हुआ है एक नाइनटीन में वो ये स्टेट करता है कि एवरी वन शेल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब हुआ कि आप अपने व्यूज़ आपके जो विचार हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हो उसको बता सकते हो चाहे वो अखबार में अखबार में अगर आप संवाद किए लिखते हैं एडिटोरियल लिखते हैं उसके थ्रू हो आप कोई मैगजीन लिखते हैं मैगजीन के एडिटोरियल लिखते हैं तो वो हो यानी कि आपके पास एक्सप्रेस करने का एक तरीका होगा एक जरिया होगा द फ्रीडम टू सीक एंड इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ ऑफ ऑल पैंस और हर तरह के जो आइडियाज़ हैं वो आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू थॉमस जेफरसन इनफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है पूछा जा सकता है आपसे कि इन्फॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी किसने कहा था थॉमस जेफरसन ने कहा था और अगर आप मेन्स का आंसर लिखेंगे और इसको लिखेंगे आर टी आई के दौरान आर टी आई के अगर ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपके आंसर को बहुत ही ज़्यादा एनेसमेंट मिलेगा और आपको कुछ और स्टूडेंट्स से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे तो थॉमस जेफरसन के थ्रू इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहा कि इफॉर्मेशन एक करेंसी है डेमोक्रेसी का यानी कि अगर डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से फ्लरिश करना है तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लोगों पे जो इन्फॉर्मेशन है जानकारी है वो होनी चाहिए एंड अ क्रिटिकल टू द इमरजेंस डेवलपमेंट ऑफ अ वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी हाव एवर विद अ व्यू टू सेट आउट अ प्रैक्टिकल रिजीम फॉर द सिटीजन्स टू सिक्योर इन्फॉर्मेशन एज अ मैटर ऑफ राइट भारतीय पार्लियामेंट ने इंडियन पार्लियामेंट ने आर टी आई एक्ट दो हज़ार पाँच पास किया यानी कि जिससे कि सभी लोगों को सभी सिटीजन्स को भारत के जानकारी मिलने का एक हक मिले तो उसके लिए भारत में आर टी आई एक्ट दो हज़ार पाँच लागू किया गया जेनेसिस ऑफ आर टी आई एक्ट स्टार्टेड इन नाइनटीन एटी सिक्स में इसको स्टार्ट किया गया एक मूवमेंट चला थ्रू जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड मिस्टर कुलवल वर्सेस जयपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन केस द केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में इन विच इट डायरेक्टेड दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल नाइनटीन तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल उन्नीस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गिवन है क्लियरली इंप्लाइज राइट टू इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर कुलवल वर्सेज जयपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन केस में ये कहा कि आर्टिकल नाइनटीन के तहत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इसका मतलब ये भी है कि पर्सन को राइट टू इन्फॉर्मेशन है यानी कि आर अगर हम देखें तो आर जो पावर लेता है कॉन्स्टिट्यूशन से अगर वो पावर ले तो वो किससे ले सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर्टिकल नाइनटीन से ले सकता है एज विदाउट इंफॉर्मेशन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी फुली यूज बाय द सिटीजन क्योंकि बिना इफॉर्मेशन के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका फ़ायदा क्या है अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो आप बोलोगे क्या पहले आप इन्फॉर्मेशन लोगे सरकार से फिर देखोगे कि क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है अगर वो गलत होगी तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो अगर इस फर टी आई एक्ट है दो का इसका एक्सटेंड देखें तो कहाँ पर ये लागू होता है ये पूरे भारत पर लागू होता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने इसको लागू किया था इसको इनेक्ट किया गया था पंद्रह जून दो को और असेंट हुआ ये बाईस जून दो को और ये कमेंस हुआ 12 अक्टूबर 2005 को यानी कि 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट शुरू हुआ और तब से अब तक 2021 या 2022 शुरू हो गया है तो अब जो है हम आरटीआई के तहत इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं तो इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या थे कि भाई एक तो नागरिकों को एम्पावर करना है ना सशक्त बनाने के लिए कि उनको हक़ मिले कि वो जानकारी ले पाएँ टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता के लिए अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही के लिए टू कंटेन करप्शन यानी कि करप्शन को रोकने के लिए टू एनहेंस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उसको बढ़ाने के लिए फिर क्या क्या रीजंस थे कि इन्फॉर्मेशन एक्ट को अपनाया गया तो फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल थे एक तो करप्शन और स्कैंडल देखिए बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहे थे तो उनको रोकने के लिए या आप कह सकते हो कि उनको कंट्रोल करने के लिए कि किस तरह से जवाबदेही बनाई जाए पॉलिटिशियंस की ब्यूरोक्रेट्स की उस सबके लिए सरकारी कामकाज किस तरह से लोगों का फ्रेंडली हो सके उसको करने के लिए इस एक्ट को लाना बहुत ज़रूरी था इंटरनेशनल प्रेशर भी था है ना क्योंकि इंटरनेशनली तो हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में पास कर दिया तो जब वो पास कर दिया भारत में लेकिन उसके लिए एक आर एक्ट एक बनाया नहीं हमने तो एक इंटरनेशनल प्रेशर भी था मॉडर्नाइजेशन इन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी और क्या हो रहा है कि मॉडर्नाइजेशन भी हो रहा था यानी कि आधुनिकरण भी हो रहा था है ना और एक समाज जो है वो सूचना के ऊपर आधारित हो रहा था तो इस वजह से इसको पास करना जरूरी हो गया अगर एक्ट के कुछ फीचर्स देखें तो देख सकते हैं आप एक सेक्शन टू एफ है वो ये कहता है कि इन्फॉमेशन का मतलब क्या है अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन में अगर कोई पूछे आपसे कि इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है तो इन्फॉर्मेशन का मतलब है कोई भी ऐसा मटेरियल जो किस फॉर्म में हो सकता है रिकॉर्ड के रूप में हो सकता है डॉक्यूमेंट हो सकता है मेमो हो सकता है ईमेल हो सकता है ओपिनियन है किसी के विचार है एडवाइस है प्रेस की जो रिलीज होती हैं जो सरकार करती है सर्कुलर यानी परिपत्र चलता है ऑर्डर हुआ कोई आदेश हुआ लॉग बुक्स हुई कंपनीज की होती हैं इसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिपोर्ट्स पेपर्स सैम्पल मॉडल डेटा मटीरियल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चाहे और इन्फॉमेसन रिलेटेड टू एनी प्राइवेट बॉडी के साथ में हो कोई विच कैन बी एक्सेस यानी प्राइवेट बॉडी की ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी है प्राइवेट बॉडी है तो उसकी ऐसी इन्फॉमेसन जो पब्लिक अथॉरिटी यानी कि सरकारी अथॉरिटी जिसको एक्सेस कर सकती हो किसी भी लॉ के तहत वो सब इन्फॉर्मेशन के तहत आती है यानी ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन के तहत आती हैं ये सेक्शन टू एफ़ में लिखा हुआ है आर एक्ट दो के फिर इसका सेक्शन टू जे क्या कहता है कि आर टी आई मीन्स द राइट टू इफॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट विच इज़ हेल्ड बाय और अंडर दी कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी तो कोई भी जो पब्लिक अथॉरिटी के पास जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पर पर्सन आर टी आई की एप्लीकेशन लगा के वहाँ से इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है और उसका जो एन इंक्लूड द राइट क्या इस चीज़ का राइट right है कि हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं काम को डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड्स को टेकिंग नोट्स एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स मान लेते हैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो काफ़ी पेजों की है तो आप कुछ फीस देखें वहाँ पर जैसे वन रुपए पर पेज या टू रुपयी पर पेज देखें आप वो इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट आउट के रूप में ले सकते हैं टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटीरियल यानी कि अगर कोई मटीरियल है तो आप उसका भी सर्टिफाइड सैम्पल ले सकते हैं ऑप्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क फ्लॉपी टेप वीडियो और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड और थ्रू प्रिंट आउट्स सच इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर और इन एनी अदर डिवाइस ही प्रिंटर का मैंने आपको बताया था कि प्रिंट आउट के रूप में लेना हो या आपको कोई फ्लॉपी में टेप में वीडियो में पेन ड्राइव में किसी भी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू किसी भी थ्रू आपको आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं और प्रिंट आउट चाहते हैं तो प्रिंट आउट भी मिल जाएगा सेक्शन फोर ऑफ द आरटीआई एक्ट रिक्वायर्स सो मोटू डिस्कलोजर ऑफ इंफॉर्मेशन तो सेक्शन फोर जो है आरटीआई एक्ट का देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछा जा सकता है या अगर आप आंसर लिखेंगे तो ये भी आप लिख सकते हैं कि क्या आरटीआई एक्ट क्या आर टी आई एक्ट यही पावर देता है लोगों को कि अगर लोग पूछेंगे तभी पब्लिक अथॉरिटी बताएगी क्या आर टी आई एक्ट ऐसा नहीं कर सकता कि लोगों को पूछना ही ना पड़े और जो आ, सरकार है या जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद ही सारी इन्फॉर्मेशन देते तो अगर आपको ध्यान हो तो इसके लिए भी आर टी आई एक्ट के लिए आ, कि जिससे कि सेक्शन फोर को लागू करने के लिए जिससे कि सरकार खुद से ही सारी इन्फॉर्मेशन देते तो एक जन सूचना पोर्टल स्टार्ट किया गया था राजस्थान गवर्नमेंट में इसको लिख लीजिएगा कि एक जन सूचना है ना जन सूचना पोर्टल स्टार्ट किया था किसने राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कांग्रेस गवर्नमेंट अभी वहाँ पे तो राजस्थान की अशोक गहलोत गवर्नमेंट जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उन्होंने जन सूचना पोर्टल स्टार्ट किया तो इसमें क्या हुआ बहुत हद तक इन्फॉर्मेशन बिना लोगों के आरटीआई की जानकारी के कि उनको आर नहीं लगानी पड़ेगी उसके बिना ही कई सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जा रही है तो सेक्शन फोर ये कहता है आर एक्ट का कि सो मोटो यानी खुद ब खुद डिस्क्लोजर होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का ईच पब्लिक अथॉरिटी यानी हर डिपार्टमेंट हर पब्लिक अथॉरिटी खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन एक पोर्टल पे डालती रहे यानी कि एक ऐसे डालती रहे जो एक्सेसिबल हो टू ऑल द पीपल कि हर आदमी वहाँ से वो इंफॉर्मेशन देख सकता हो तो यानी उसको आर लगाने की जरूरत ही ना पड़े हावएर सच डिस्क्लोजर्स हैव रिमेंड लेस देन सेटिसफेक्टरी लेकिन ऐसे डिस्क्लोजर नहीं हो रहे जब तक उनसे पब्लिक अथॉरिटी से जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं मांगेंगे आरटीआई नहीं लगाएंगे तब तक वो नहीं दे रहे हैं तो ये इस चीज पे चेक होना चाहिए राजस्थान गवर्नमेंट ने इस पर इनिशिएटिव लिया था जन सूचना पोर्टल बना के और आप ये देख सकते हैं कि, कि किसी और राज्य ने भी ऐसा काम किया है क्या कि अगर किया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा नेक्स्ट आता है सेक्शन एट वन ये मेंशन करता है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आर टी आई एक्ट जिन पर नहीं लगता है ना एग्जामिशन क्या हैं किन किन चीज़ों पर आर टी आई एक्ट नहीं लगा सकते और सेक्शन एट टू कहता है प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एग्जामड अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 तो एक ओएसए एक्ट था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट देखिए अंग्रेजों के टाइम का एक्ट है 1923 का एक्ट है क्योंकि तो अंग्रेजों ने क्या किया था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने कि एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बना दिया था कि जिससे कोई ऑफिस की यानी कि जो भी सरकारी काम उस टाइम पर अंग्रेज सरकार कर रही थी वो जो सीक्रेट काम वो कर रही थी वो इन्फॉर्मेशन कोई बाहर ना ले सके या अगर कोई बाहर इंफॉर्मेशन देता है तो उसको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत तो उसको सजा मिल सके इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पास किया था तो कहीं जग, कहीं कहीं जगहों पर ऐसा हो रहा था कि कुछ इफॉर्मेशन सरकार इस वजह से मना कर सकती थी कि भाई ये तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है इसलिए हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते तो अगर वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रही है बात तो वो इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी ओएस एक्ट यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वहाँ पर लागू नहीं होगा द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल तो सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होंगे तो इन सब की इंफॉर्मेशन या इन सब की जो गाइडलाइंस हैं वो इस एक्ट ने दी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैव डेजिग्नेटेड सम ऑफ इट्स ऑफिसर्स एज पब्लिक इंफॉमेशन ऑफिसर तो हर पब्लिक अथॉरिटी ने जितनी भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं सबने ने एक पब्लिक इंफॉमेशन ऑफ़िसर बिठाया अपने डिपार्टमेंट में जिससे कि जितनी भी आर टी आई एप्लीकेीकेशन वहाँ पर आती हैं तो वो कौन एंटरटेन करता है ये पब्लिक इफॉर्मेशन ऑफिसर करता है दे आर रेस्ेपॉन्सिबल टू गिव इन्फॉर्मेशन टू अ पर्सन हू सिक्स इन्फॉर्मेशन दी आर टी एक्ट जो भी लोग आरटीआई एक्ट तो के तहत आरटीआई की एप्लीकेशन लगाएंगे उसको इनफॉर्मेशन कौन देगा उस डिपार्टमेंट से संबंधित पब्लिक इनफॉर्मेशन ऑफिसर इसने एक्ट ने आर टी आई एक्ट दो हज़ार पांच जो आया इसने एक रिप्लेस किया इसके पहले एक एक्ट था फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट दो हज़ार दो है ना उसको रिप्लेस करके आर टी आई एक्ट दो हज़ार पांच आ गया टाइम पीरियड देखा जाए तो नॉर्मली तो अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं आर टी आई की तो तीस दिन के अंदर अंदर आपको पब्लिक अथॉरिटी से जवाब आना चाहिए है ना इफ इन्फॉर्मेशन सॉट कंसर्न्स द लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन है ना अगर जिंदगी मौत मतलब आप कह सकते हो जिंदगी मौत का सवाल हो गया तो 48 घंटे के अंदर इनफॉर्मेशन मिल जाएगी इन केस द एप्लीकेंट इज सेंट थ्रू द असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और इट इज़ सेंट टू अ रॉन्ग पब्लिक अथॉरिटी पाँच दिन आप ऐड कर सकते हो उसमें या तो तीस दिन में या अड़तालीस घंटे में यानी अगर आपने किसी पर्सन को गलत मतलब जानी थी किसी पर्सन को आपने एप्लीकेशन किसी गलत पर्सन को डाल दी तो ऐसा नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी लेकिन बस आपको आंसर मिलने में पाँच दिन और बढ़ जाएंगे अगर आपको आंसर तीस दिन में मिलना था तो पैंतीस दिन में मिलेंगे और अगर अड़तालीस घंटे में मिलना था तो पाँच दिन और ऐड कर दो तो इसमें यानी सात दिन में आपको आंसर मिल पाएगा इनकेस आपने गलत पर्सन को गलत पब्लिक अथॉरिटी को अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी रिक्वेस्ट भेज दी नेक्स्ट आता है कि पब्लिक अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी होता क्या है है क्या ये पब्लिक अथॉरिटी तो पब्लिक अथॉरिटी मींस एनी ऑथोराइज्ड और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड यानी कि पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है कोई भी एक ऐसी अथॉरिटी यानी कोई प्राधिकरण हो या बॉडी ऑफ इंस्टीट्यूशन हो निकाय हो है ना ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है ना जो सेल्फ गवर्न होता हो और इस्टेब्लिश किया हुआ हो या कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ हो किसके द्वारा संविधान के द्वारा बायर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी ऐसे कानून के द्वारा जो पार्लियामेंट संसद ने बनाया हो या स्टेट लेजिस्लेचर किसी राज्य की विधानसभा ने बनाया हो बाई नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन निकाला हो किसी सरकार ने और उस नोटिफिकेशन के तहत वो डिपार्टमेंट बनाया गया हो बॉडी ऑनड कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बॉडी को ऑन किया गया हो सरकार के द्वारा कंट्रोल किया गया हो या सब्सटेंशली फाइनेंस किया हो सरकार के द्वारा उस बॉडी को हम पब्लिक अथॉरिटी कहेंगे या एन जी ओज हो जो सब्सटेंशली फाइनेंसड करती हों डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाई फंडस अप्रूव बाई द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर सरकार किसी एन जी ओ को पैसा देती है तो वो एन जी ओ भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आ जाती है यानी जहाँ से भी सरकार से संबंधित चीज़ें होंगी वो सभी अथॉरिटीज़ अगर उसमें एक्जामिशन नहीं है किसी पर मान लेते हैं अगर आप कहो कि एक्सेप्शन नहीं है कोई तो सभी सरकारी अथॉरिटीज एक तरीके से आरटीआई एक्ट के अंदर आती है तो इंपॉर्टेंस देखते हैं इंपॉर्टेंस के आर टी एक्ट की तो आरटीआई एक्ट टू थाउजेंड फाइव डिड नॉट क्रिएट अ न्यू ब्यूरोक्रेसी है ना इसने कोई नई ब्यूरोक्रेसी नहीं बनाई कोई नया डिपार्टमेंट बन गया है ना इस तरह नहीं है हर डिपार्टमेंट में एक पर्सन को ड्यूटी पर लगा दिया गया इंस्टेट इट टास्ट एंड मैंडेटेड ऑफिशियल्स इन एवरी ऑफिस टू चेंज देर एटीट्यूड एंड ड्यूटी फ्रॉम वन ऑफ सीक्रेसी टू वन ऑफ शेयरिंग एंड ओपननेस तो इसने कोई नया ब्यूरोक्रेसी, कोई नया डिपार्टमेंट कोई इस तरह से नहीं बनाया हर डिपार्टमेंट में एक एक पर्सन को अपॉइंट करवाया कि भाई आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने और आपसे आपके डिपार्टमेंट के बारे में जो भी आपसे पूछा जाएगा आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नॉर्मल लोगों को दोगे इट केयरफुली एंड डेलीबरेटली एम्पावर्ड द इन्फॉर्मेशन कमीशन टू ब दी हाइएस्ट अथॉरिटी इन द कंट्री तो इन्फॉर्मेशन कमीशन है जैसे कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर भी होता है एक तो वो जो इंफॉर्मेशन कमीशन है यानी कि सी आई सी है वो एक हाइएस्ट अथॉरिटी हुई देश के अंदर विद द मैंडेट टू ऑर्डर एनी ऑफिस इन द कंट्री उसके पास ये हक है कि वो ऑर्डर कर सकता है किसी भी ऑफिस को भारत में टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एज पर द प्रोविजन्स ऑफ़ द एक्ट तो इस एक्ट के तहत जो भी प्रोविजन हैं उसके तहत जितनी भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है सभी इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करनी है एंड इट एम्पावर्ड द कमीशन टू फाइन एनी ऑफिशियल हु डिड नॉट फॉलो द मैंडेट यानी कि जो भी व्यक्ति जो भी सरकारी कर्मचारी इस काम को नहीं करता या इस चीज़ को फॉलो नहीं करता आर टी एक्ट के मैंडेट को उसको सजा मिलेगी या उसके ऊपर फाइन लगेगा आर टी आई हैज़ बीन सीन एज द की टू तो स्ट्रेंथिंग पार्टिसिपेट्रीड डेमोक्रेसी यानी सभी लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए आर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है एंड अशोरिंग इन पीपल सेंटर्ड गवर्नेंस यानी पीपल सेंटर्ड गवर्नेंस यानी कि लोगों के तहत गवर्नेंस हो रहा है सुशासन जो हो रहा है वो लोगों के इर्द गिर्द हो रहा है कि लोगों का ही उसमें भला होगा तो अगर इस चीज़ को पाना है तो आर की इन्फॉर्मेशन यानी आर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है क्योंकि इससे पता चल पाएगा या जो सरकारी ऑफिशल्स हैं वो भी अकाउंटेबल होंगे जिम्मेवार होंगे जिम्मेदार होंगे वे जो भी कृथ या जो भी कर रहे वो कर रहे हैं एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कैन एम्पावर दी पुअर बिल्कुल सिंपल सी बात है अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो वो गरीब को को भी बहुत उससे एम्पावरमेंट मिलेगी एंड द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू डिमांड एंड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट पब्लिक पॉलिसीज कि सरकारी योजनाएं क्या चल रही हैं उनके लिए ऐसा सरकार क्या कर रही है जिससे कि उस गरीब व्यक्ति का भला होगा उसको दो वक्त की रोटी मिल पाएगी या वो अपने परिवार को जो बार बार वो पुअर में जाता है जाता है पुअर सेक्शन में बन जाता है कि उसको वो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाल पाए अपने आप को जो गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए या सरकार क्या कर रही है जिससे वो गरीबी रेखा से बाहर आ जाए इट शोड एन अर्ली प्रोमिस बाई एक्सपोजिंग रॉन्ग डूइंग्स एट हाई प्लेसेस है ना आरटीआई एक्ट ने और भी क्या काम किया कि बड़ी बड़ी जगहों पे क्या क्या गलत काम हुए उसके बारे में भी आर टी आई ने बहुत हेल्प की पता करने में जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स जब दो हज़ार दस में हुए भारत में टू जी स्पेक्ट्रम कोल ब्लॉक्स जब कोयले का जो कोयले की जो ब्लॉक्स होती हैं उसका जब आवंटन हुआ जब उसका लोगों को दिया गया तो इनमें जो स्कैम चल रहे थे सन 2011-12 में है ना में या यू पी ए वन यू पी ए टू गवर्नमेंट के तहत जितने भी घोटाले हुए उन सबको बहुत इम्पोर्टेंटली आर टी आई ने आ, उन इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश की आर टी आई ने बहुत हेल्प किया जिससे कि लोगों को पता चल पाए या पता चल सका कि उस टाइम पर सरकार क्या काम कर रही थी कितने घोटाले वो कर रही थी आर टी आई ओपनस अप गवर्मेंट्स रिकॉर्ड्स टू पब्लिक स्क्रूटनी आर टी आई सरकारी जो रिकॉर्ड्स हैं उनको लोगों के लिए खोल देती है पब्लिक स्क्रूटनी के लिए खोल देती है कि पब्लिक उस पर स्क्रूटनी स्क्रूटनी का मतलब होता है जाँच कर सकती है यानी कि नॉर्मल पब्लिक मैं आप कोई भी जाँच कर सकता है कि देख सकता है कि सरकार उसमें क्या काम कर रही है देयर बाय आर्मिंग सिटीजन्स विद अ वाइटल टूल टू इन्फॉर्म दैम अबाउट द डज ना इफेक्टिवली दस मेकिंग द गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल तो उसमें हमें ये पता चल सकता है कि सरकार क्या कर रही है किस तरह कर रही है और हम लोगों को ज़्यादा एम्पावरमेंट मिलेगी कि हम सरकार के ऊपर चेक रख सकें जिन लोगों को हमने चुनकर एम पी एम एल ए बनाया है क्या वो हमारे लिए काम भी कर रहे हैं या सिर्फ अपना घर भर रहे हैं इम्प्रूवस डिसीजन मेकिंग बाय पब्लिक अथॉरिटी बाय रिमूविंग अननेसेसरी सीक्रेसी तो ये डिसीजन मेकिंग को भी इंप्रूव करेगा पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा और जो अननेसेसरी सीक्रेसी थी यानी कि जिसकी जरूरत नहीं है इतनी गोपनीयता की जरूरत नहीं है लेकिन सरकारी ऑफिशियल्स फिर भी रखते थे जिससे कि उनकी हरकतों के बारे में लोगों को पता ना चल जाए तो उसको भी खत्म करने का काम आर एक्ट ने करा लेकिन आर एक्ट के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं कुछ दिक्कत भी हैं चुनौतियाँ भी हैं वो क्या क्या हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज शॉर्ट विच हैज़ नो पब्लिक इंटरेस्ट कभी कभी लोग जो हैं उसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन फिर भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं डिपार्टमेंट से एंड समटाइम्स कैन बी यूज़ टू मिस यूज़ द लॉ एंड हैरस द पब्लिक अथॉरिटीज़ और कभी कभी लोगों को भी पब्लिक अथॉरिटी को हैरस करने के लिए भी देखिए हर चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है नेगेटिव भी होता है यानी अगर कोई चीज़ आर टी आई एक्ट आया है इससे पॉजिटिव तो ये आया है कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है लेकिन इससे नेगेटिव यह आया है कि अगर आपको किसी सरकारी ऑफिशियल को डराना धमकाना है तो आप क्या करेंगे आप जबरदस्ती उसको डराएंगे कि भाई अगर आप मेरा फेवर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में आरटीआई लगा दूंगा तो आदमी जो है यानी कि जो सरकारी ऑफिशियल है वो अब काम करने से डरने लगा है कि वो कुछ भी काम करेगा हो सकता है उसके काम पर आर लग जाए तो इससे नेगेटिव इफेक्ट भी हुआ ऐसा नहीं है कि आर टी का सिर्फ वन साइडेड इफेक्ट है सिर्फ पॉजिटिव इफेक्ट है कि हमेशा सोसाइटी में अच्छा हुआ है ऐसा नहीं है नेगेटिव इफेक्ट भी है आस्किंग फॉर डेस्परेट एंड वॉल्यूमिनस इन्फॉर्मेशन कि आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कोई ले ली बहुत वॉलीम ले यानी बहुत बड़ी पता चले कि 500-600 पन्नों में 1000 पन्नों में इन्फॉमेशन ली जा रही है वो तो उसमें क्या होगा कि सरकारी ऑफिशियल्स जो सरकारी लोग हैं वो अपना काम छोड़ के जो भी आर की इन्फॉर्मेशन मांग जो भी उससे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो भी मांगते हैं पूरा डिपार्टमेंट उसकी इफारमेशन प्रोवाइड करने में लग जाता है तो यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट होता है टू अटेन पब्लिसिटी बाई फाइलिंग आर है ना कुछ लोगों को पब्लिसिटी चाहिए आर फाइल करके आर टी आई फाइल्ड एज विंडिकेटिव टू टू हरे और द पब्लिक अथॉरिटी यानी विंडिकटिव टूल बना दिया गया है, एक ऐसा एक मतलब जरिया बना दिया गया है कि जिससे कि प्रचार पाने के लिए आप कह सकते हो कि परेशान करने के लिए दबाव बनाने के लिए एक हथियार पा लिया उन्होंने बिकॉज ऑफ द इलिट्रेसी एंड अन अवेयरनेस अमंग द मेजारिटी पॉपुलेशन इन द कंट्री आर टी आई के नॉट बी एक्साइज बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि आर टी आई होता क्या है क्या ऐसा भी कोई तरीका है क्या भारत कितनी बड़ी पॉपुलेशन है उन लोगों को पता ही नहीं है तो अगर पता नहीं है तो वो उसका यूज़ ही नहीं कर पा रहे दो आर टी आई एम इज़ नॉट टू क्रिएट अ ग्रीवियंस रिटर्स कैसे है ना इसका मतलब आर टी आई का मतलब ये नहीं था कि ये कोई ग्रीवियंस रिटर्सल ग्रीवियंस रिटर्सल मतलब कि आपको कोई शिकायत है और उसको रिड्रेस उसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं था ये शिकायत को दूर करने के अलग तरीके थे ये तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के तरीके थे द नोटिस फ्रॉम इन्फॉर्मेशन कमीशन ओफन पर द पब्लिक अथॉरिटीज टू रिड्रेस ग्रीवियंस यानी कि इंफॉर्मेशन कमीशन भी कभी कभी कुछ ऐसे पब्लिक अथॉरिटीज़ को नोटिस भेजता है कि जो लोगों को दिक्कत है जो वो ग्रीवेंसिस के वजह से जिन उन लोगों को दिक्कत होगी जिसके वजह से वाटे लगा रहे हैं आप उसको भी सॉल्व करो यानी कि इसका एम तो नहीं था लेकिन ये फिर भी वैसा काम कर रहा है नेक्स्ट आता है कि आर टी आई वर्सेज रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन डिस्कलोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी आर टी आई एक कानून 2005 का और कुछ ऐसे कानून हैं जो ये कहते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तो अगर उन दोनों में बात की जाए उन दोनों के वर्सेज देखा जाए तो देखते हैं क्या होता है सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट आया 1872 में ब्रिटिशर्स के दौरान तो था तो उसका सेक्शन कहते हैं कि आपको इन्फॉमेसन नहीं देनी डॉक्यूमेंट्स नहीं देने अंडर दीज प्रोविजन्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट मे रिफ्यूज़ है ना हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी जो हेड होगा डिपार्टमेंट का वो रिफ्यूज़ कर सकता है कि हम इंफॉमेशन नहीं देंगे ऑन अफेयर्स ऑफ स्टेट एंड ओनली स्वेयरिंग दैट इट इज़ अ स्टेट सीक्रेट है ना कि एक स्टेट सीक्रेट है एक राज्य का सीक्रेट है और हम इस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करेंगे सिमिलर मैनर में नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कम्पेल्ड टू डिसक्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस है ना कुछ मान लेते हैं कि, कि किसी भी पब्लिक ऑफिसर को आप अगर कोई ऑफिशियल कॉन्फिडेंस है कोई ऐसी कोई बात है तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि अगर वो कोई भी कैसा करेगा यानी कि सरकारी विकास का अगर कोई काम हो रहा है विकास नहीं सॉरी विश्वास का अगर कोई काम हो रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन को वो प्रोवाइड नहीं कर सकता आप उस पर दबाव नहीं बना सकते एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट आया उन्नीस का वो ये प्रोवाइड कर सकता है कि <coughs> सॉरी वो प्रोवाइड करता है कि शैल बी एन ऑफेंस है ना कि इन्फॉर्मेशन अगर इसके द्वारा दी गई डिस्क्लोज की गई इन्फॉर्मेशन तो वो एक ऑफेंस होगा एक आ, सजा मिल, मिल सकती है एक अपराध होगा तो यानी कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट ये कहता है कि आर के तहत इन्फॉमेसन नहीं मिल सकती फिर एक सेंट्रल सर्विसेज एक्ट कहता है प्रोवाइड अ गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट टू कम्युनिकेट और पार्ट विद एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट है ना तो सेंट्रल सर्विस एक्ट भी है वही भी यही कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट टू कम्युनिकेट है ना जो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा वो कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं करेगा या कोई भी पार्ट उसका नहीं बताएगा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का जब तक कि कोई स्पेशल ऑर्डर सरकार का ना आए तब तक वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करेगा नेक्स्ट आता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी थ्री का ऑफिशियल तो सीक्रेट्स एक्ट जो है नाइन्टीन ट्वेंटी थ्री का वो ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन मार्क अ डॉक्यूमेंट एज कॉन्फिडेंशियल सो एज टू प्रिवेंट इट्स पब्लिकेशन कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट नाइन ट्वेंटी थ्री किसी भी सरकारी कर्मचारी को ये पावर देता है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल यानी कि गोपनीय है ये आ, फाइल ये घोषित करने का हक देता है जिससे कि उसका पब्लिकेशन ना हो सके चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आर टी आई वर्सेज राइट टू प्राइवेसी और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए लोअर पीसीएस मेंस के लिए अब आप इस भ्रम में मत रहिए कि अब जब आंसर की आएगी आंसर की तो जैसे आ चुकी है कि अब जब रिजल्ट आएगा तभी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप इसमें मत रहिए अगर आपके नंबर बन रहे हैं नाइन्टी के आसपास तो आप अपनी लोअर पी सी की प्रिपरीशन स्टार्ट कर सकते हैं लोअर पी सी की प्रिपरेशन आप मेरे साथ भी कर सकते हैं इफ़ यू विश अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे सेवन डबल सिक्स फाइव एट जीरो डबल फोर टू वन पर कॉल या मैसेज करके बात कर सकते हैं पता कर सकते हैं कि लोअर पी सी एस का जो पेड ग्रुप चल रहा है उसमें प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं दोनों पेपर की प्रिपरेशन करवाई जा रही है उसमें फुल प्रिपरेशन होगी तो आप उसमें कर सकते हैं और ये पॉइंट नंबर फोर था आर अगर आप सिलेबस देखेंगे लोअर पी सी का तो जो पॉइंट नंबर फोर है उसमें ये सिलेबस है मैंशनड है और साथ ही साथ गाइज जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर भी यूट्यूब पर चैनल उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी मतलब पसंद आ रही है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक यू एंड बाय